हाय दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट, मेरे कलीग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हमें जॉब को चेंज कर देना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज करके हाइक लेकर दूसरे कंपनी में जाना चाहिए, या हमें एक ही कंपनी में रहकर उसी कंपनी में ग्रो करके बड़ी पोजीशन तक जाने का इंतज़ार करना चाहिए। तो गाइस, आज मैं आपके इस कन्फ्यूजन का बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट सजेशन देता हूँ, जिसको आप अप्लाई करिए, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो पहली चीज़, अगर आप ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पर आपको सालाना आपका जो इंक्रीमेंट होता है बहुत ही अच्छा होता है, यानी अगर आपका अर्निंग ग्रोथ अच्छा हो रहा है सालाना, ये नहीं कि गए ने 3 महीने 6 महीने में बढ़ जाए, नहीं, सालाना अर्निंग ग्रोथ हो रहा है आपका अच्छा, किसको कहते हैं, मैं मेरे मायने में 15-30% एक अच्छा रेंज है। अगर आपको मिनिमम 10% या 30% इसके रेंज में अगर हाइक मिलता है, देन इट इज़ गुड। 5-10 एवरेज है, बिलो 5 कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो पहला मैंने अर्निंग कहा, दूसरा होता है लर्निंग, कि आप जहां वर्क कर रहे हो यही मत देखो कि आपका सिर्फ अर्निंग ही अच्छा हो रहा है, आपका लर्निंग ग्रोथ भी होना ज़रूरी है। आप वहां पे रोज़ कुछ नया सीख रहे हो या नहीं, कुछ या सेम एक ही प्रोसेस कर रहे हो, कुछ नया आपको जानने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है कि नहीं, कोई नए डिपार्टमेंट का वर्क करने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखिए। अदरवाइज़ आप एक ही चीज़ करते रहोगे तो 5 साल बाद जब उस कंपनी से जाओगे तो आपके अंदर वो एक ही स्किल रहेगा और कोई स्किल्स ही नहीं रहेगा, वो भी आपका ग्रोथ तो नहीं हुआ ना, आपका पर्सनल ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। तो पहला अर्निंग, दूसरा होता है लर्निंग, तीसरा ये होता है कि भाई आपका वहाँ पे मान सम्मान हो रहा है कि नहीं, बराबर आपका देखो एक घर होता है ना, तो वहाँ पे हम बच्चे की भी बात सुनते हैं, तो ऐसे कंपनी होती है ना, तो कंपनी के अंदर सीईओ की ही नहीं चलती, सीएफओ की ही नहीं चलती, अगर कंपनी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है उसकी भी सुननी पड़ती है। तो ये देखना है कि भाई आप जिस कंपनी में हो वहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं, राइट। ऐसा नहीं कि सीईओ जो बोल रहा है वही चल रहा है, सीएफओ जो बोल रहा है वही हो रहा है, मैनेजर जो बोल रहा है वही हो रहा है, और आप जो बोल रहे हो तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल भी आपकी या आपके कोई सहकर्मी की भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंजेस हो, तो वो सुनने वाला व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए। यानी कि अगर आपको वहाँ पर लर्निंग हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, और अगर आपको वहाँ पर मान सम्मान भी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी अच्छी है, वहाँ पर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका ईयरली अर्निंग ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ कंपनी ऐसी है जो सालाना 150 रुपये का हाइक देती है और उसके आसपास देती है, लर्निंग तो कुछ नहीं देती, मान लो जो आप एक काम कर रहे हो वही काम कर रहे हो, और सुनना तो दूर की बात है, आप कंपनी में वर्क क्या कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, शायद आपके सीईओ को मालूम भी नहीं है। तो फिर भाई ऐसी कंपनी को आप जाकर बोल दीजिए कि भाई आपको जो करना है वो करिए, बाकी ऐसा ही प्लेसमेंट्स तो है ही, राइट।